Hello guys, I am Prabhat Kumar Singh. Welcome to my channel. और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CBSE English Core सिलेबस के लिटरेचर रीडर के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है द लास्ट लेसन. जी हाँ, इस फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंसे डॉडेट. ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कि मैंने इस चैप्टर की अपनी एक समरी बनाई है, प्रेफ्रेजिंग बनाई है, जिससे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा. और इस वीडियो के लास्ट में मैं इस प्रेफ्रेजिंग का पिक्स डालूंगा, उसकी वीडियो डालूंगा, जिसका आप चाहे तो स्क्रीन शॉट लेकर के इसे खुद से पढ़ सकते हैं या इसे नोट डाउन कर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट. सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट वाज रिटन इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर. ये चैप्टर एक्चुअली लिखा गया था जिस समय फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुए थे, युद्ध हुए थे उस समय, जिसमें कि इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें कि फ्रांस जो है वो हार गया था, है ना, प्रूशिया के द्वारा, जो जिसका नेतृत्व कर रहा था बिस्मार्क. द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेसे एंड लॉरेन पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स. कहने का मतलब है ये दो शहर, दो जिले, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिले, जिसका नाम था अल्सेसे. अल्सेसे शब्द को आप याद रखेंगे इसलिए कि अल्सेसे का ही डॉग बहुत फेमस है, जिसे हम लोग अल्सेसन डॉग कहते हैं. उसे उसका गलत प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे लोग उसे अल्सेसियन कहते हैं, बट दैट इज अल्सेसन डॉग. और दूसरा लॉरेन है. ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि चूंकि फ्रांस हार गया हुआ था, तो ये दोनों जिले अब जर्मन के हाथ में, है ना, प्रूसियंस के हाथ में चले गए थे. दिस इंसिडेंट शोज द फैक्ट दैट द ऑपरेसर वांट्स नॉट ओनली टेरिटरी बट ऑल्सो डोमिनेट्स ओवर द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, दस टेकिंग अवे इवन द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्टेड पीपल. एक्चुअली इस चैप्टर में से ये पता चलता है कि कैसे जो विजेता होता है, जो किसी देश पर कब्जा कर लेता है, वो कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है. वो सिर्फ टेरिटरी यानी उसके जमीन जायदाद, वो राज्य ही नहीं चाहिए होता, वो चाहता है कि उस आदमी की आइडेंटिटी छीन ले, उसके लैंग्वेज को बंद कर दे, जो कि बहुत ही गलत है, इमैच्योर है, अननेचुरल है. चलिए तो अब इसकी पैराफ्रेजिंग यानी समरी शुरू करते हैं. पॉइंट बाय पॉइंट है. पहला पॉइंट है कि फ्रेंच had not prepared his lesson, sees a crowd in front of bulletin board. जी हाँ, French, यही नाम है इस चैप्टर के नरेटर का. F-R-A-N-J. French जो है, यानी कि author, वे कह रहा है कि the author French was late for school that day and feared scolding from his teacher Mr. M. Hamill, who was to question them that day on participle. Actually, French जो है, वो उस दिन late था अपने school के लिए, और उसको ये डर था कि कहीं उसके टीचर, जिनका नाम मिस्टर एम हैमिल, ये कैरेक्टर याद रखेंगे, तो वो कहीं उसको डांटे ना, पिटाई ना करे, क्योंकि उस दिन पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे और इसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई थी. द नैरेटर हैड नॉट लर्नड हिज लेसन, अपना उसने याद नहीं किया था. इट वॉज ए ब्राइट सनी ब्राइट डे and he felt tempted to stay back from school and enjoy the day, but somehow he resisted the temptation to do so. उस दिन एक्चुअली उसका मौसम जो है वो सनी था, ब्राइट था, ब्राइट मींस कि जब मौसम बहुत साफ था, खुशनुमा था. अपने यहाँ यदि अभी गर्मी है इंडिया में तो खुशनुमा वो नहीं हुआ, है ना, वो गर्मी है तो गर्म उसमें तो धूप यदि खिला रहा है, ब्राइट डे रहा है तो परेशानी होगी, लेकिन वहां उन लोगों के साइड में फ्रेंच में वो ठंडे का मौसम, उसमें ब्राइट डे हो, तो ये देख करके फ्रेंच को लगता है कि नहीं, आज तो यार स्कूल छोड़ के आज चले थोड़ा मस्ती कर ले, थोड़ा फिशिंग वगैरह कर ले. लेकिन किसी प्रकार से जो है सो उसका ये मन पर अपना काबू पाता है, रेजिस्ट करता है अपने इस टेम्पटेशन को, अपने इस लालच को, और स्कूल की ओर चल लेता है. वेल ही वॉज पासिंग बाय द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल से होकर के पास कर रहा था. टाउन हॉल क्या होता है, हर शहर में ये पहले जमाने में होता था, जो भी बड़े शहर है, जैसे कि मुजफ्फरपुर में एक टाउन है, टाउन हॉल है कंपनी बाग में, तो टाउन हॉल एक्चुअली कह लीजिए उस शहर का, उस जमाने का, डिस्ट्रिक्ट का, वो जो है एक मेन सेंटर हुआ करता था, जैसे आज कलेक्टोरेट होता है उसी प्रकार से.
The crown hall से जब वो पास कर रहा था, he saw a crowd in front of the bulletin board. तो उसने bulletin board के सामने एक भीड़ देखी, है ना, बहुत भीड़ लगी हुई थी. bulletin board क्या है, तो पहले ये कहानी बहुत पहले की है, तो उस समय newspaper वगैरह बहुत कम available था. तो जिले में एक main, जैसे main center होता है, है ना, वो main center है, तो वहाँ पे एक notice board, जिसको bulletin board को कहिए, notice board type का, जिसमें सारे ही news जो है, सो उस पे आते थे. तो एक चीज और भी कह रहा है कि since the war was on, कि युद्ध जो है वो जारी था, all the bad news had come from that board. तो सारे ही बुरे समाचार उसी board से आते थे. इनके कहने का मतलब है, आपको बता दें, जैसे आज आप न्यूज़पेपर ले लो, बहुत सारे इधर एक्सीडेंट हुआ, उधर वो रेप हुआ, इधर ये हुआ, ऐसे न्यूज, तो बैड न्यूज भी तो उसी से आएंगे. ये लगवा देंगे, गुड न्यूज भी आएंगे. हाँ, ये है कि उस समय वॉर था, तो कोई ना कोई बैड न्यूज होगा, और इसीलिए वहां पे भीड़ होगी, ये ऑथर कहते हैं. एज ही वॉज हरिंग पास्ट, जब वो तेजी से जा रहा था, हरिंग पास्ट, पास्ट माने गुजरना, यहाँ पर तेजी से गुजर रहा था, तो ब्लैक स्मिथ, यानी एक ब्लैक स्मिथ उसके गांव का, एक लोहार उसके गांव का, उसने उसे बुलाया एंड सेड दैट देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल इन टाइम. कि भाई अभी क्या जल्दी है, अभी तो स्कूल में बहुत समय बचा है. क्यों कह रहा है ऐसा, तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी लेट था. वो कुछ कह रहा है जो कि हमें आगे कहानी में पता चलेगा. सेकेंड पॉइंट है, टू हिज सरप्राइज हिज टीचर इज काइंड टू हिम, है ना, सरप्राइज हो जाता है कि उसके टीचर आज काइंड, ऐसा होता नहीं था यूजुअली, वो तो लेट था. तो व्हेन द नरेटर रीच्ड स्कूल, जब नरेटर स्कूल पहुंचा, ही वाज वेरी सरप्राइज्ड एट द पिन ड्रॉप साइलेंस दैट सराउंडेड द स्कूल. तो उस जब स्कूल के पास गया, तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई कहीं से कोई साउंड नहीं आ रहा था, है ना, एकदम से. स्कूल है तो थोड़ा बहुत तो साउंड आएगा ही आएगा, बल्कि उसमें तो ज्यादा होता था, जैसा कि आप आगे देखेंगे. इट सीम्ड मोर लाइक ए संडे देन ए वर्किंग डे, मतलब उस दिन उस शोर शराबा चूंकि नहीं था, उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि आज संडे हो, संडे को स्कूल एरिया में भीड़ भाड़ नहीं होते हैं, शोरगुल नहीं आते, अदरवाइज हर दिन स्कूल है तो उसके बगल से गुजरेंगे तो आवाजें तो आएंगी, कम या ज्यादा. जहाँ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन अच्छा है, वहां कम साउंड आएंगे, जहां नहीं है वहां थोड़े ज्यादा आएंगे. तो he had depended on the commotion to enter the classroom unnoticed, but to his surprise everyone was already in their places and he had to go before everybody. Actually usko ek aadat ho gayi thi, wo depend ho gaya hua tha ki ye shorgul hota rahe aur hum chupke se piche se der se bhi hai aaye class mein ghus jaye bench pe apna baith jaye. Lekin us din wo ekdam surprise reh gaya, क्योंकि सब लोग, और ये नहीं कि आवाज नहीं थी तो लोग नहीं पहुंचे, सब लोग पहुंचे हुए थे, पूरा क्लास, मतलब उस दिन वो भरा हुआ था, और उसको सबके सामने, बिफोर मींस के पहले भी होता है और बिफोर मींस के सामने भी, इन फ्रंट ऑफ का इक्वल है, वैसे मैन मैन के सामने खड़ा हो तो बिफोर ही कहा जाता है ना. तो ये कह रहा कि सबके सामने बिफोर एवरीबॉडी उसे आना पड़ा. व्हाट सरप्राइज्ड हिम इवन मोर वाज द दैट इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम द टीचर वाज काइंड एंड टोल्ड हिम टू टेक हिज प्लेस. और इससे भी ज्यादा जो आश्चर्य की बात थी वो ये कि वो टीचर आज जो उसको डांटने की बजाय वो उसको बड़े ही काइंडली ट्रीट कर रहे थे उस दिन, बड़े ही मतलब प्यार से, घर दया से ट्रीट कर रहे थे, बल्कि उनको तो यूजुअल है कि लेट पहुंचाता तो डांटना चाहिए था. थर्ड पॉइंट है कि मिस्टर हैमिल इज इन हिज स्पेशल क्लोथिंग, द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास इज नॉट सेम. तो इस पॉइंट में देखते हैं क्या है. आफ्टर सेटलिंग, सेटल माने बैठने के बाद, फ्रेंड नोटिस दैट द टीचर वॉज वेयरिंग हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. उसने देखा कि भाई ये जो टीचर है वो आज कुछ स्पेशल ड्रेस में है ना, स्पेशल क्लोथिंग में है, वो ग्रीन कोट पहने हुए हैं. तो ग्रीन कोट में क्या है आगे पता चलेगा. हिज फ्रिल्ड शर्ट, और शर्ट भी वो झालर डाड़ वाले थे, एंड हिज लिटिल ब्लैक सिल्क कैप विथ एम्ब्रॉयडरी ऑन इट. और कैप भी जो पहन रखा था उसपे भी एम्ब्रॉयडरी कशीदाकारी, वो जो धागे वगैरह से काम किया जाता है, वो काम किया हुआ वाला था. आखिर क्या था इस ड्रेस में. दिस क्लोथिंग वॉज वर्न बाय एम हैमेल ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज. कहने का मतलब है कि एक्चुअली ये जो ड्रेस की बात जो फ्रेंड्स कर रहा है देख के, जिसपे वो बहुत सरप्राइज हो रहा है, वो ये है कि ये जो ग्रीन कोट है, फ्रिल शर्ट है, कैप है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, ये सब वो सिर्फ दो ही दिन पहनते थे, या तो कोई इंस्पेक्शन होने वाला उस दिन को, नहीं तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे देखो. और समटाइम्स अलग इसमें नहीं लिखा है, वो संडेज को भी. The atmosphere that day was very solemn, S-O-L-E-M-N, solemn, solemn नहीं, यानी गंभीर शाम. And what surprised him most was when he saw the village elders sitting in the class on the last bench. तो आज उससे भी जो बढ़ के आश्चर्य हुआ,
है ना, कि सब तो एटमॉस्फेयर तो शांत था ही, और उससे भी बड़ी बात ये कि आज क्लास में पिछले बेंच पर बच्चे ही नहीं, गांव के बड़े बुजुर्ग सभी उम्र के लोग भी बैठे हुए थे, है ना। एवरीवन वाज सैड और सब सैड थे, और बच्चा इसको नहीं मालूम, बुलेटिन बोर्ड पे भी देखा तो ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ा। वन ऑफ द पर्सन सिटिंग देयर वाज एन ओल्ड हाउजर, वहां एक बैठा हुआ एक व्यक्ति ओल्ड हाउजर भी था, एच कैपिटल, हालांकि एक एच कैपिटल करके उसका ये प्रॉपर नाउन बनाया गया कि एक खास व्यक्ति था, लेकिन इस नेम का एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है ए ड्वेलर और इनहेबिटेंट, यानी वहीं का एक निवासी। उसने क्या किया हुआ था, वो हैड इवन ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, पी आर आई एम ई आर, ये प्राइमर मीन्स होता है पहले चलता था मनोहर पोथी, आज भी है, वो डिजाइन थोड़ा सा बदल गया, यानी बच्चे जब एकदम से पढ़ना शुरू करें ना दो ढाई साल के, तो एक बुक आती है जिसमें हम लोगों के यहाँ जो आती है बुक, उसमें है कि क क ग रहेगा, वन टू रहेगा, ए बी सी डी रहेगा, तो ये तीनों मतलब एक तरह से स्टार्टिंग बुक आज हो गए, पूरा डिजाइनदार है, प्लास्टिक कोटेड वगैरह आते हैं, तो वो उसी को प्रवेशिका कहते, वो उसने लिया हुआ था, है ना, ओल्ड हाउजर ने, और ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने अपने घुटनों पर उसको खोल करके रखा हुआ था। जैसे वो पढ़ा लिखा इससे पता चलता है कि नहीं है, तो आज एक दिन के लिए भी जैसे कथम वो सीख ले, उस तरीके से वहां पर वो आया हुआ है। अगला पॉइंट है टेकन अबैक, यानी सरप्राइज्ड, है ना, रिग्रेट्स व्हेन टीचर सेज इट इज द लास्ट लेसन, ठीक है, तो सरप्राइज रह जाता है, और इस बात का उसको अफसोस भी होता है बाद में कि वो आखिर जो है सो जब टीचर बोलते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है। द नरेटर वंडर्ड एट द चेंजेस when suddenly M. Hamel mounted on his chair and announced that it was their last French class. तो जैसा कि आप इन सब चीजों पे ये wonder तो कर ही रहा था, इसको आश्चर्य तो व्यक्त हो ही रही थी कि भई ये क्या है, क्यों सब बैठे हैं, क्यों शांत है, इसी बीच में वो टीचर जो M. Hamel है वो माउंटेड ऑन द चेयर, यानी कुर्सी पर बैठते हैं, माउंट चढ़ना बैठना, है ना, और वो अनाउंस करते हैं कि ये आज का लास्ट क्लास है, यानी फ्रेंच पढ़ाने का आज लास्ट क्लास है, फ्रांस की भाषा है फ्रेंच। तो एज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन्स विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेसी एंड लोरेन, क्योंकि ऑर्डर आए आगे वो बताते हैं, क्योंकि ऑर्डर आए हैं बर्लिन से, है ना, यानी वहां से जो जैसे यहाँ इंग्लैंड का जब इंडिया पे वो शासन था तो वहां लंदन से न्यूज आते थे, वैसे ही जो इनका मेन सेंटर उसमें बर्लिन था, वहां से ये ऑर्डर आए थे कि अब केवल जर्मन सी पढ़ाए जाएंगे, फ्रेंच नहीं पढ़ाए जाएंगे, इन दोनों जिलों जो रूसियन हैंड्स में चले गए, पहला एलसेसे और दूसरा लोरेन। द नरेटर वाज शॉक्ड टू हियर दिस एंड सडनली दोज बुक्स विच हैड सीम्ड ए बर्डन, नरेटर ने जब ये सुना तो वो शब्द सा रह गया, और सडनली अचानक उसे जो ये बुक्स बर्डन लग रहे थे बिकेम वेरी डियर टू हिम, तो ये उसके लिए बहुत प्रिय लगने लगे ये सब बुक्स, है ना, और he regretted, और वो पछताने लगा not having learned his lesson, अपने कि उसने पाठों को अपने क्यों नहीं सीखा। Now the narrator understood why Mr. M. Hamel had put on his Sunday clothes and why the villagers were attending the class, है ना, that day. अब जाकर के फ्रेंच को नैरेटर को ये समझ में आया कि अच्छा भाई ये क्या कारण है कि आज ये संडे और वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे वाले या वो इंस्पेक्शन डे वाले कपड़े जो है सर ने पहन रखे हैं, मिस्टर एम एम एल ने पहन रखे, क्यों ये सारे विलेजर्स आज वहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये अब उसको समझ में आ गया। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग द मास्टर, ना ये उनका ग्राम जो भी ग्रामीण लोग है जो विलेजर्स हैं उनका ये थैंकिंग देने का थैंक्स कहने का उस टीचर को, है ना, एक वे था, क्योंकि द मास्टर फॉर हिज कमेंडेबल माने सराहनीय सर्विस ऑफ 40 इयर्स एंड सो इन रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री, तो ये जो है थैंक देने का एक तरीका था उस टीचर को जिसने 40 इयर्स से उस स्कूल में पढ़ाया है, और दूसरा इसी बहाने वो अपने राष्ट्र के प्रति जो है सो सम्मान दिखाते हैं, है ना। He also regretted missing the school so often. इसके अलावा उसको इस बात का भी अफसोस होने लगा कि आखिर वो अक्सर स्कूल मिस कर दिया जाता था, जैसा कि आज भी उसका मन हो रहा था। When the class started, जब क्लास शुरू हुई, the narrator heard his name being called out to recite the rules of the participants. और क्लास जहां शुरू हुआ तो सबसे पहले आज नरेटर यानी फ्रेंच का ही नाम सबसे पहले बोला गया कि भाई फ्रेंच वेयर आर यू, मतलब फ्रेंच कहाँ हो आप बताओ, आज पार्टिसिपेंट्स के रूल्स को, और आप तो जानते हैं इसने तो बिल्कुल प्रिपेयर किया ही नहीं था, विच ही वॉज अनेबल टू डू, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा सका क्योंकि एज ही गॉट स्टक ऑन द फर्स्ट वर्ड, बस एक वर्ड निकला उसमें स्टक हो गया, सिर्फ तैयारी ही नहीं की थी, एक तो इमोशनल बात भी है और तैयारी भी नहीं की थी। ही फेल्ट वेरी डिस्गस्टेड
टू एट हिज फेल्यूर टू डू सो। और आज उसको पहली बार अपने आप पे गुस्सा सा आ रहा है ना, डिस्गस्टेड फील करा, चिढ़ा हुआ फील करा कि आखिर उसने अपना लेसन क्यों नहीं लर्न किया है। मिस्टर हैमिल सेड ही वुडंट स्कॉल्ड हिम फॉर ही वाज एज इट इज फीलिंग सो बैड अबाउट इट। लेकिन मिस्टर हैमिल जो है उन्होंने कहा कि ही वुडंट स्कॉल्ड हिम चाइल्ड हिम, यानी कि उसको आज डांटेंगे नहीं। फॉर एफ वार मैंने स्टार मार्क कर दिया है इसको, अब देखेंगे आगे। तो स्टार मार्क इसलिए किया कि फॉर मींस यहाँ के लिए नहीं, फॉर मींस वो बिकॉज भी होता है जब ये कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, प्रीपोजिशन के रूप में जो है वो फॉर के लिए होता है और उसमें जो है वो बिकॉज के इक्विवेलेंट होता है आपको कंजंक्शन में। तो फॉर बिकॉज ही वॉज एज इट इज, जैसा कि है फिल्म शो बैड अबाउट, कहते हैं आज नहीं डांटेंगे इसको, खुद में एहसास हो रहा है कि हाँ इसने ये नहीं लर्न किया। एवरीबॉडी Everyday learning had been postponed to the next day. हर दिन लर्निंग को इस बात पे छोड़ दिया गया सीखने को कि चलो भाई अगले दिन कर लेंगे। And now there was no time left to learn. और आज तो समय ही नहीं है कि कुछ सीख सकें। He further said that they would be mocked by people. कि वे लोग जो है mocked किए जाएंगे, लोग उस पे ताना मारेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे for calling themselves French, although they couldn't speak or write their own language. टीचर कह रहे हैं कि भाई आप फ्रांस के निवासी हो, फ्रेंच हो और फ्रेंच भाषा नहीं जानते हो, तो फ्रेंच कह के लोग आपको फ्रेंच के नाम पे एक तरह से आप जैसे नहीं कहते कलंक होंगे वैसे कहलाएंगे, मतलब कहने का मतलब कि आपको अपनी मातृभाषा नहीं आती है, ये बहुत दुखद बात है। अगला पॉइंट है एम हैमेल आल्सो ब्लेम्स हिमसेल्फ। अब इस पॉइंट में, इस पैराग्राफ में ये जो है अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, अपने आप पर भी आरोप लगाते हैं केवल बच्चों पर नहीं। फर्दर आगे मिस्टर हैमेल सेज Many parents had preferred to send their children to work than to school. कहने का मतलब है कि अब मिस्टर हैमिल कहते हैं कि बहुत सारे गार्जियन भी दोषी हैं, क्योंकि वो कहते हैं जैसा कि अभी गवर्नमेंट स्कूलों में होता है कि वो स्कूल जाने के बदले बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि नहीं चलो आज काम है, खेत पे काम है या ये हुआ है। Then he confesses that, फिर वो ये भी स्वीकार करते हैं मैम हैमिल कि ही टू वॉज टू ब्लेम, उसको उस पर भी आरोप है, मतलब उसकी भी गलती है। बिकॉज मेनी टाइम्स ही हैड गिवन ए हॉलीडे टू स्टूडेंट्स व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, कि जब कई बार उसने भी क्या किया है कि वो फिशिंग के लिए जब उसे जाने का मन होता तो उन्होंने छुट्टी कर दिया है, तो उनका भी थोड़ा सा दोष है। मिस्टर हैमिल सेड दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अपनी मातृभाषा की तारीफ कर रहे हैं, होना भी चाहिए। एम हैमिल कहते हैं कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वॉज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, की यह जो है दुनिया की सबसे साफ और जो है लॉजिकल तार्किक जो है सो भाषा है। ही देन ओपेंड द बुक एंड एक्सप्लेन द ग्रामर लेसन टू देम, और फिर उसके बाद उन्होंने एक बुक खोला और ग्रामर का एक चैप्टर जो है उन लोगों को एक्सप्लेन किया, फ्रेंच ग्रामर का, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का नहीं, जैसे हिंदी ग्रामर भी होता है ना, सब में ग्रामर होते हैं, जो भी लैंग्वेज है उसका एक ग्रामर होता ही होता है। द राइटर वॉज सरप्राइज्ड at himself for he understood the lesson very well. राइटर को यानी नैरेटर को आज अपने आप पे बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्यों, आज उसको पूरी तरह से ये चैप्टर जो उन्होंने समझाया था मिस्टर हैमिल ने वो समझ में आ गया था। Also Mr. Hamel had explained the lesson more patiently than ever. आज ये भी था, इसको भी समझ में आ रहा था क्योंकि एहसास हो गया कि हमने गलती की, हमें सीखना चाहिए, हमें अपने सीखने को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। और साथ में जो है सो इसके अलावे आज एम हैमिल का भी, चूंकि लास्ट क्लास था, उन्होंने भी ज्यादा पेशेंट होकर, ज्यादा धैर्यवान होकर, ए पर्सन हु हैज पेशेंस, एक व्यक्ति जिसे धैर्य होता है वो धैर्यवान यानी पेशेंट कहलाता है। तो इट ऑलमोस्ट सीम्ड, ये ऐसे लगा एज इफ मानो इन वन गो मतलब एक जाना नहीं, वन गो मतलब एक ही बार में, जैसे ही वांटेड टू गिव देम ऑल दैट ही न्यू, ऐसा लगता था कि वो जो भी मिस्टर एमएमएल जान रहे हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों को सारा का सारा दे देंगे। बहुत पेशेंट भी थे, धैर्य भी रखे हुए थे, गुस्सा गुस्सा नहीं कर रहे थे, दूसरा कि वो पढ़ा भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज पढ़ाया था, और इस बच्चा भी आज एक्टिव था, नैरेटर भी एक्टिव था, इसलिए उसे भी आज पूरा समझ में आ रहा है ना। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू, अच्छा एक मिनट, तो द ग्रामर लेसन वॉज फॉलोड बाई ए राइटिंग लेसन, जब ग्रामर का लेसन खत्म हुआ तो फिर राइटिंग का पीरियड आया है ना। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर देम, और उस दिन उन्होंने नई नई कॉपियां लाई थी सबों के लिए है ना, बच्चों के लिए खासकर, इन विच इट वॉज रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड, जिसमें
है ना, सुंदर राउंड हैंड गोल गोल अक्षर, हिंदी में ये कहते हैं हम लोग के गांव में, गोल गोल लिखो मतलब अच्छा लिखो, है ना। तो राउंड हैंड में गोल गोल अक्षर में बड़े सुंदर अक्षरों में जो है लिखा हुआ था सारे कॉपी पर। जैसे नहीं होता राइटिंग कैसे होता है, छोटे बच्चों को देते हैं ऊपर हम कुछ लिख दिए है ना, जैसे द क्विक ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग, उसी को फिर राइटिंग में वो देख देख के बच्चे उतारते। वही तो आज वही करना था, नई कॉपी भी थी लेकिन उस पर दो ही वर्ड लिखे थे, फ्रांस और एलसेस, चूंकि ये मिस्टर एमएमएल दो जिलों की बात की गई लेकिन ये एलसेस जिले में इनका स्कूल है यानी कि, तो इसलिए वो कहते हैं जैसे कैसे हम कहेंगे जय भारत जय बिहार या है ना, तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि जो है सो सब जगह लिखा हुआ था फ्रांस एलसेस से पूरे कॉपी में, उसी को कॉपी करना था। देट लुकड द लाइट लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, और वो जो राइटिंग थे जो सब चुकी लिख रहे थे तो लग रहा था कि वो फ्रेंच झंडा हो जैसे और सारे क्लास में जो है सो वो फैला हुआ हो। लिटिल फ्लैग छोटे छोटे फ्लैग, ऑल द चिल्ड्रेन वर्क्ड सीरियसली एंड क्वाइटली, और बच्चे भी सारे जो है यार एकदम सीरियस होकर के और शांत होकर के जो है वो अपना काम कर रहे थे यानी राइटिंग लिख रहे थे। सडनली फ्रेंच हर्ड द पिजन स्क्वीक, इसी बीच में लिखते वक्त चूंकि शांतिपुरी थी एक कबूतर कुछ कबूतरों के गुरु मतलब गुटर गु करने की आवाज सुनाई दी नैरेटर को फ्रेंच को, एंड वंडर्ड, और फिर वो सोचने लगा आश्चर्य से विल दे बी ऑल्सो मेड टू सिंग इन जर्मन, कहने का मतलब ये आयरनी है, व्यंग कर रहे हैं उन पर कि बताइए हम फ्रेंच है और हमसे कहा जा रहा है कि नहीं अब तुम्हें जो है जर्मन पढ़ाया जाएगा, क्या ये कबूतर जो अपनी भाषा बोल रहा है क्या इसको भी वो जर्मन में सिखाएंगे, ये भी गुटरगुना करके जर्मन में बोलेगा, तो ये कटाक्ष कर रहे हैं आयरनी है। अगला पॉइंट है मिस्टर हैमेल मेक्स पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, इसके बाद क्या करते हैं तो मिस्टर एम हैमेल जो है वो लोगों को अपने मदर टंग मदर एम ओ टी एच ई आर मदर माँ होता है टी ओ एन जी यू टंग माने जीव होता है लेकिन मदर टंग मीन्स मातृभाषा ए लैंग्वेज या ए डायलेक्ट दैट वी स्पीक एट होम, जो हम घर पे बोलते हैं वो हमारा मदर टंग होता है। While the class was doing their writing assignment, जब पूरा क्लास अपना राइटिंग असाइनमेंट कर रहा था राइटिंग का काम कर रहा था एम हैमेल सैट मोशनलेस ऑन हिज चेयर, तो वो एकदम बिना हिले डुले जो है वो मोशनलेस होकर के वो बैठे हुए हैं मिस्टर एम हैमेल अपने चेयर पर एट ऑल, और इसके अलावा जो है ना स्टीयरिंग यानी घूर रहे हैं देख रहे हैं ऑल द थिंग्स एज इफ ही वांटेड टू रिमेम्बर जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, तो वो क्या कर रहे हैं धीरे धीरे एकदम बैठे हुए और चारों तरफ नजर जो है ऐसे ऐसे पूरे क्लास में दौड़ा रहे हैं, ऐसे लग रहा हो मानो कि वो जो है चाहते हो कि स्कूल के इस स्कूल क्लासरूम का एक एक चीज की तस्वीरें अपनी आंखों में बसा ले और उसे शायद भविष्य में याद कर सके, ऐसा लग रहा था। और ये भी कह रहे हैं आगे कि Since Mr. M. Hamel had started the school 40 years ago, चूंकि 40 साल पहले इन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया था, nothing had changed, कुछ भी नहीं बदला था उसमें, इसलिए वो समाना चाहते हैं 40 साल किसी रूम में आप रह जाओ किसी व्यक्ति के साथ रह जाओ बहुत अपनापन हो जाएगा। हाँ तो कह रहे कुछ नहीं बदला था except the desk and the chairs had worn off and the trees had grown taller, दो चीजें थी, एक तो जो बेंच वगैरह थे वो बच्चे बैठते हैं तो लिखते लिखते या उंगली से थोड़ा थोड़ा टूट फाट गए थे कहीं कहीं, और दूसरा कि जो ट्रीज उन्होंने लगाए थे वो टॉलर हो गए थे, बाकी कुछ भी नहीं बदला था उस स्कूल रूम का। और द नैरेटर वंडर्स दैट इट मस्ट बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम टू हियर हिज सिस्टर मूविंग द ट्रंक्स, कहने का मतलब इसी बीच में फ्रेंड को एक आवाज सुनाई देती है ट्रंक को घसीटने की ऊपर से, तो ये इस पे इसको आश्चर्य होता है कि ये आवाज सुन करके यानी ये एक्चुअली पैकिंग की आवाज थी, ये सुन करके ये सर को कैसा एम हैमेल को कैसा फील हो रहा होगा। हाँ तो इन द रूम अबव पैकिंग टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि इससे ये पता चल रहा था कि नेक्स्ट डे अगले दिन वो कंट्री छोड़कर जाएंगे। आपको बता दूं इसमें भी मैंने स्टार मार्क किया है, कंट्री मीन्स केवल और केवल देश नहीं बल्कि देहात ग्रामीण क्षेत्र एरिया एक खास एरिया, ठीक है, स्पेशली गांव देहात, केवल कंट्री मीन्स देश नहीं। बहुत सारे लोगों को इसके आश्चर्य होगा, हमारे कोचिंग में बच्चों को मैं अभी ये सब वर्ड्स अक्सर सिखाता हूँ, आपको यकीन ना हो किसी भी डिक्शनरी में आप देख ले कंट्री मीन्स देहात ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो अब इसका एक लास्ट पॉइंट है वो है कि मिस्टर एम हैमेल इज एन आइडल AIDOL आइडल ऑफ पेशेंस दैट डे, और उस दिन एक धैर्य की मूर्ति है ए पेट्रियोट टू द कोर, और पूरे दिल से जो है वो पेट्रियोट है ना देशभक्त है। मिस्टर एम हैमेल वॉज वेरी पेशेंट दैट डे, उस दिन मिस्टर हैमेल बहुत ही पेशेंट थे बहुत ही धैर्यवान थे। व्हेन इट वॉज द चांस ऑफ द बेबीज
टू चेंज द अल्फाबेट। और आज जब बच्चों को बेबीज को बच्चों को जो है अल्फाबेट्स बोलने थे, अल्फाबेट जैसे कैसे हम लोग ए बी छोटे क्लास में पढ़ाया था, तो उसका जब टाइमिंग आया है ना, तो इवन द ओल्ड विलेजर ज्वाइंड, तो ये था तो छोटे बच्चों के लिए एबीसीडी पढ़ना वन टू पढ़ना, लेकिन वो ओल्ड विलेजर्स भी उसमें शामिल हो गए। हालांकि एबीसी जो मैंने कहा तो वो एबीसी फ्रेंच का, इधर हमारा इंग्लिश का या हिंदी का कब बना है, तो बड़े लोग भी उसको ज्वाइन कर लिए उसमें, वो लोग भी साथ में बोलने लगे। दियर वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी वॉइस लड़खड़ा रही थी विद इमोशन भावनाओं में। एट 12 ऑल ऑफ देम, और 12 बजे वे सभी कुड हियर सुन सकते थे द क्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल। वो ड्रिल से क्रूसियंस लौट रहे थे, क्रूसियंस सेनाएं जो अपना ड्रिल करके लौट रही थी है ना, वो बूटों की आवाज वगैरह से सुनाई दी है ना, और इसका मतलब था कि चलिए अब समाप्त हो गया, अब हमें चलना है। एट दिस ओवरकम विथ इमोशन, इस पर जो है ओवरकम विथ इमोशन, पूरे इमोशन से भर गए वो, फुल्ली इमोशनल हो गए मिस्टर एमएमएल, एंड मिस्टर एमएमएल वेंट टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड के पास गए एंड रॉट, और लिखा वाई वे ला फ्रांस, यानी बी आई बी ई वाई एल ए ला फ्रांस, इसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी जैसे हम कहते हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद का अपवित कहते हैं, जैसे हम भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद है ना, तो इन्होंने कहा कि लॉन्ग दीर्घायु बाबा हमारा फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ही देन लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो वॉल पे लीन्ड हो गए, यानी कि उस पे झुक गए एक दीवार पे है ना, और फिर क्या किया जरा गौर से देखेंगे, एंड डिसमिस द क्लास विद अ गेस्चर, क्लास को डिसमिस छुट्टी दे दी, लेकिन बोल नहीं पाए, इमोशन से तो पूरे थे, मतलब गेस्चर से जैसे ऐसे शायद उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब छुट्टी। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा वन नोट्स, जिसे अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इसमें आपको पॉइंट बाई पॉइंट सब दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फर्दर स्टडीज के लिए इसका यूज कर सकते हैं आप। ये इसका फर्स्ट पेज, और ये रहा आपका सेकंड पेज, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, कि ये टोटल तीन पेज में है, तो सेकंड पेज है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, और ये रहा आपका थर्ड पेज। एक इस पेज के दो तीन चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं टाइटल है, यहाँ बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ टाइटल है, ये टाइटल आप पढ़ लें क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि टाइटल इसके कैसे अप्रोप्रिएट है या जस्टिफाई कीजिए। इसके अलावा इस चैप्टर के माध्यम से क्या मैसेज मिलता है आपको ये भी है। इसके अलावा इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स जो हैं, दो कैरेक्टर है, एक एम हैमल का और एक फ्रेंड का, ये आपको दोनों इसमें दिए गए हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट तो आप निश्चित रूप से ले ही लें। आई होप आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हम इस बुक के और भी चैप्टर, सभी चैप्टर्स वन बाय वन डालेंगे, तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा ये चैप्टर सबसे पहले आप तक पहुँचे तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन जो राइट साइड में आएगा उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। आप इसे पढ़ें, दूसरों को भी शेयर करें, और यदि पसंद आया हो तो लाइक भी करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।